राइनोप्लास्टी एंड रिकवरी। यस दोस्तों, आज वीडियो में बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीजिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक ऐसे ईएनटी से रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आई एम डॉक्टर तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नर्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, राइनोप्लास्टी, सबसे पहले बात करते हैं क्या है ये राइनोप्लास्टी। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी एक नोज जॉब है, जिसके अंदर नोज को रीशेप एंड रीसाइज किया जाता है। दोस्तों, हमें दिमाग से एक हुबहू एक बात निकाल देनी है, राइनोप्लास्टी ओनली कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है। राइनोप्लास्टी का दो उद्देश्य है। नंबर वन, हमारे नोज को हमारा जो रेस्ट ऑफ हमारे फेशियल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट समायोजित करना। दोस्तों, साथ के अंदर हमारा नोज का जो इंटीरियर है, जिसके विकृति के कारण जो हमारा ब्रीदिंग के अंदर जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को भी ठीक करना है। सो राइनोप्लास्टी के दो उद्देश्य हैं, कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल, यानी हमारा नोज सुंदर भी बनाना है एंड हमें नोज ब्लॉकेज फ्री भी बनाना है। सो ये है राइनोप्लास्टी प्रोसीजर। दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, ये करीब जो है, ये मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे की सर्जरी होती है। एंड सर्जरी के बाद एक दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रहना होता है। एंड जो सबसे जो कंफ्यूजिंग और जो टेंशन की बात होती है, राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद में नाक पे आपको चीरा नहीं लगता है, निशान नहीं आता है। दोस्तों, हम लोग नोज को यहाँ से ओपन करते हैं, बट हार्डली आफ्टर द 10 डेज जो उसकी टेक्निक ऐसी एडवांस होती है, 7080 रैपिड वाइक्रल सूचर्स यूज में लिए जाते हैं। अगर मैं खुद भी उसको आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए क्या है कि आपको बाहर चीरा या निशान नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद में जो है क्वेश्चन ये आता है कि राइनोप्लास्टी के बाद में मैं काम काज कर सकता हूँ नहीं है। राइनोप्लास्टी के बाद रिकवरी की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों खाना पीना, घूमना फिरना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एवरीथिंग हम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग है, वो थोड़ा सा 1 महीने हमें नहीं करना। आप जिम जा सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा आपको एक जैसे आपको थोड़ा सा डस्ट वगैरह है, वहां पे हमें मास्क लगाना होता है। खाने पीने में दोस्तों आपको जो है वो सब आप चीजें खा सकते हैं, खट्टा आप खा सकते हैं, बट इसमें हाईली स्पाइसी फूड जो है, नॉनवेज वगैरह, जिस चीज में आपको बहुत ज्यादा चबाने की जरूरत है, वो आपको नहीं, थोड़ा सा 1 महीने लेना होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो आप जैसे कुछ खेलना अगर आप चाहते हैं, तो ऐसा गेम नहीं खेलें जैसे फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जिससे हमें नोज पे क्या चोट लग सके। एंड अब एक सवाल आता है कि सर, मेरे को ऑपरेशन के बाद में कितने दिन का बेड रेस्ट चाहिए होता है। सो दोस्तों, राइनोप्लास्टी के बाद के अंदर अगर ऐसे कोई हमें बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, बट सर्जरी के बाद में क्या है कि हम नोज के ऊपर एक जो हमने चेंजेस किए हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए नोज पे एक प्लास्टर लगा दिया जाता है, स्प्लिंट लगा दिया जाता है। सो उस स्प्लिंट के कारण हम क्या है कि वो करीब यूजुअली जो है हम 10 डेज रखते हैं, 7 से 10 दिन तक, कुछ सर्जन 7 दिन रखते हैं। आई यूजुअली कीप ऑन द 10 डेज, 10 दिन तक वो प्लास्टर नाक पे रहता है, जिससे हमारे जो चेंजेस किए गए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जब तक आपको प्लास्टर रहता है, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हम डिस्टर्ब नहीं हो। और बिकॉज अगर आप प्लास्टर लगा के जाओगे तो एवरीवन आस्क यू क्यों कराया, क्या कराया। अदरवाइज आप ऑफिस जा सकते हैं, आप एक मास्क लगा के, ऐसा बेड रेस्ट की एब्सोल्यूट जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप मानते हैं, तो 10 डेज का एक जब तक आपके प्लास्टर रहता है, वो एक टाइम ऐसा मान लीजिए जब आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होती है। आप जो है ऑनलाइन है, आपको पीसी पे है, सिस्टम पे है, वो आप सारा काम कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, जैसे ही हम प्लास्टर हटाते हैं, वो रिजल्ट आपको विजिबल होते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं। 30% जो है, क्योंकि हम इंडियन पेशेंट की थिक बहुत स्किन होती है, सो वो धीरे धीरे क्या है कि कुछ स्किन में एडिमा होती है, वो धीरे धीरे ठीक होती है। वो बॉडी का ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, उसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को पता नहीं लगता। सो देखा दोस्तों आपने क्या है राइनोप्लास्टी एंड क्या इसका रिकवरी है, जो हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ लेके हम बैठे हुए थे, जो आज हमारी क्लियर हुई है। एंड आपका रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी के रिकवरी, आपका कोई सवाल है, डेफिनेटली यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, हम दोस्तों उसका बात का जवाब देंगे। थैंक यू।